So in our last class, antibiotics part one, we have studied about किसके बारे में बात किया था? We studied about penicillin, right? और penicillin क्या था? Cell wall synthesis inhibitor, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे protein synthesis inhibitor के बारे में, okay? तो cell wall synthesis inhibitor का example क्या था? सेलवॉल सिंथेसिस इनहिबिटर का जो निमोनिक्स क्या था? फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल. यस, वेरी गुड. फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल. बेवफा नहीं, वो बेवफा दूसरा है. बेवफा साइडल ड्रग्स. ओके, फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल. ये है फॉस्फोमाइसिन. देन बी फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. देन दूसरा बी है बेसिट्रेसिन. देन सी फॉर साइक्लोसेरीन. और डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू का क्या था? क्या बोला था मैंने? वैंकोमाइसिन. वेरी गुड. वैंकोमाइसिन. तो क्या है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में? आपको आता है फॉस्फोमाइसिन, बीटा लैक्टम, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरीन और वैंकोमाइसिन. अब एक बात है, जो 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 बीटा लैक्टम है उसको फर्दर क्लासिफिकेशन है. वो क्या क्या था? बीटा लैक्टम में आपको आता है पेनिसिलिन, देन योर सेफालोस्पोरिन. यस. देन नेक्स्ट, एनीवन कैन टेल? कार्बापिन. कार्बापिन, मोनोबैक्टम्स. या मोनोबैक्टम्स. मोनोबैक्टम्स. ओके, मोनोबैक्टम्स में क्या है? रिंग इज एब्सेंट. फाइन. तो ये हो गया हमने पिछले क्लास के बारे में. लास्ट क्लास ऑफ आवर एंटीबायोटिक्स वी टॉक्ड अबाउट दोस थिंग्स. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. इसमें आपको आ जाएगा आपका टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, नाम सुना है टेट्रासाइक्लिन का? ओके, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड और मैक्रोलाइड्स. ओके, आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल द फोर टॉपिक्स टुडे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स. तो पहला क्या है? टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिट्स द अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए टू ए साइट. ओके, तो ये देखो, ये हो गया, सोचो मैसेंजर आरएनए है, इसमें राइबोसोम अटैच होता है. एक लार्जर पार्ट है, एक स्मॉलर पार्ट है. ठीक है, एक लार्जर पार्ट है, एक स्मॉलर पार्ट है, एक लार्जर पार्ट है, एक स्मॉलर पार्ट है. दिस आर द राइबोसोम्स. ओके, राइबोसोम्स में क्या होता है? जो ह्यूमंस में होते हैं वो 60S और 40S होता है. सुना है ये पहले? ओके, एंड बैक्टीरिया में क्या होता है आपका? 50S और 30S. तो हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल राइबोसोम के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? दो साइट्स होता है राइबोसोम में. एक को बोलते हैं पी साइट और एक को बोलते हैं ए साइट. पी मतलब पेप्टाइडल साइट, ठीक है, और ए मतलब एक्सेप्टर साइट. इसको कैसे याद रखेंगे? P फॉर पहला, तो पहला जो है P है. ठीक है, और एक्सेप्टर कैसे याद रखेंगे? आफ्टर. तो दूसरा वाला जो है क्या है? आफ्टर में है, वो है क्या? एक्सेप्टर साइट. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? P पे क्या होता है? ऑल द अमाइनो एसिड आके बाइंड करता है. तो जो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ये अमाइनो एसिड आके यहाँ पे बाइंड किया. ठीक है, फॉर इसका एंटीकोडोन एक आएगा यहाँ पे नंबर फोर. ठीक है, एक्सेप्टर में बाइंड करेगा. अब क्या होगा? ये नंबर थ्री और नंबर फोर एक साइड बाइंड कर देगा, पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्म करेगा. यहाँ पे पेप्टाइडल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये पी साइट में खड़ा आ जाएगा. ठीक है, वन टू थ्री फोर. ठीक है, वन टू थ्री फोर, ये यहाँ पे आ गया. अभी ये पी पे आ गया.
पर ये पी पे नहीं रहेगा क्योंकि इसको अभी ट्रांसलोकेशन करना है, ट्रांसलोकेशन करना है, ठीक है? तो पी से ए में जाएगा और ए से फिर पी में आ जाएगा, तो दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। लोकेशन का मतलब क्या है? एक स्पेस, एक जगह से दूसरा जगह जाना, एक जगह से दूसरा जगह जाना, तो दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ये टी आरएनए का होता है, ठीक है? ट्रांसलोकेशन ऑफ टी आरएनए। तो यहाँ पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ टी आरएनए टू ए साइट। जो टी आरएनए है आके बाइंड करना चाहता है, रुको फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस इज बिकम टू मेसी। ये टी है और ये ए है, ठीक है? ये 50S, ये 30S। तो क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट्स द अटैचमेंट ऑफ टी आर एन ए टू ए साइट। टी आर एन ए जो है आके ए साइट में बाइंड करना चाहता है, दिस वन वॉन्ट्स टू कम हियर, बट टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, ये स्टेप होने को नहीं देता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ वर्क ऑफ टेट्रासाइक्लिन। समझ में आया? अंडरस्टूड? आर यू क्लियर एवरीवन? क्लियर यस सर। है ना? ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्या है? इनहिबिट द जॉइनिंग ऑफ टू अमाइनो एसिड। हमने बोला था यहाँ पे अमाइनो एसिड देखो, वन टू थ्री है अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड नंबर फोर के साथ ज्वाइन होगा, पर क्लोरामफेनिकोल क्या करता है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है थ्री और फोर के बीच में एक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होना है, ठीक है, उसको रोकता है। तो इसको देखो, इसको याद कैसे रखेंगे, क्लोराम फेनिकॉल, फेनिकॉल और फेबिकॉल एक जैसा साउंड करता है, राइट? फेनिकॉल और फेबिकॉल एक जैसा साउंड करता है, पर ये उल्टा वाला फेबिकॉल है। फेबिकॉल क्या करता है, ज्वाइन करता है, राइट? फेबिकॉल ज्वाइन करता है। वो एड देखा है फेबिकॉल का, जो एक हाथी होता है यहाँ पे, दूसरा हाथी होता है यहाँ पे, और एक चीज रखता है उसको फेविकोल से लगाया हुआ था होता है, ये खींचता है यहाँ से, ये खींचता है यहाँ से, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है बिकॉज उसमें फेविकोल लगा हुआ है। तो फेविकोल व्हाट डज इट डू, इट जॉइंस, पर यहाँ पे क्या है, इट इनहिबिट द जॉइनिंग ऑफ टू अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे उल्टा काम करता है, फेनिकॉल वर्क्स ऑपोजिट ऑफ फेविकॉल, ठीक है? ऐसे याद रखो आप, इनहिबिट्स द जॉइनिंग ऑफ टू अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। फाइन, अंडरस्टूड? समझे सब? एवरीवन? सर, सुचंदा, समझ में आया? सुचंदा, यू आर देयर? भैया हाँ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ भैया, आप नंबर थ्री, आप हमने ट्रांसलोकेशन का भी बात किया था, तो तीन ड्रग है जो ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है, और उसको कैसे याद करते हैं हम, एमसीक्यू। देखो अभी तुम बीडीएस हो, बीडीएस से तुमको एमडीएस जाना है, तुमको ट्रांसलोकेट करना है। सोचो अभी गुवाहाटी आरडीसी में हो, आरडीसी से अभी तुमको जीडीसी मुंबई जाना है, ठीक है? तो जीडीसी मुंबई मतलब क्या है, तुमको ट्रांसलोकेट करना पड़ेगा, लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो लोकेशन को चेंज करना है, अगर बीडीएस से तुमको एमडीएस होना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नीट एमडीएस एग्जाम देना पड़ेगा, और नीट एमडीएस में क्या क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है। तो ट्रांसलोकेशन का निमोनिक क्या है, एमसीक्यू, एम फॉर मैक्रोलाइट्स, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई होगा, सी फॉर क्लिंडामाइसिन और क्यू फॉर क्विनप्रिस्टिन, याद रहेगा ये निमोनिक। हमको बीडीएस से एमडीएस जाना है, ट्रांसलोकेट करना है, और उसके लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा नीट एमडीएस, और उसमें एमसीक्यू अपेयर करना पड़ेगा। तो एमसीक्यू, M for macrolide, C for clindamycin और Q for quinpristine, okay? Next is amino glycoside. ये भी spelling गलत है, amino glycoside होगा। Amino glycoside कैसे काम करता है? By causing misreading of mRNA codon. इसको मैं clear कर देता हूँ। क्या करता है? Causes misreading of mRNA codon. ये आपको याद करना है, ठीक है? Misreading होता है। Amino glycoside क्या करता है? जो एम आर एन ए कोडन को अच्छे से रीड करना है, जैसे हमको अच्छे से पढ़ाई करना है, एक मैं बोला ए, तुम बोले बी, तो तुमने क्या किया, मिस रीड कर दिया, राइट?
मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्लोराम्फेनिकॉल, तुम बोल रहे हो टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, क्वेश्चन में आया नंबर 5 का 5, तुमको Ne5 तुमने लिख दिया Ne4, तो दिस इज मिस रीडिंग, राइट। तो उसी तरह mRNA कोडन जो होता है उसका भी मिस रीडिंग होता है, और वो मिस रीडिंग के कारण उसी तरीके से अमाइनो ग्लाइकोसाइड काम करता है। ठीक है, अब हमने उस दिन बात किया था क्या कि साइडल ड्रग्स होता है और स्टैटिक ड्रग्स होता है, राइट। तो साइडल में क्या था, बेवफा, यस बेवफा, ठीक है, उसमें ए आता था अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है उनमें से ओनली अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज, अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज साइडल, बाकी जितना है टेट्रासाइक्लिन है तुम्हारा, क्लोराम्फेनिकोल है, मैक्रोलाइड है, बाकी सब क्या है, स्टैटिक है, ठीक है। और ओनली साइडल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में ओनली साइडल कौन सा है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये एमसीक्यू आता है, नोट करके रख दो, ठीक है, दिस कम्स एज एन एमसीक्यू, अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज द ओनली साइडल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ओके फाइन। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमको याद करना है, मैंने बोला था ना कि 50S होता है और 30S होता है, तो कौन सा वाला 50S में बाइंड करता है एंटीबायोटिक और कौन सा वाला 30S में, तो हम कैसे याद रखेंगे, देखो ये निमोनिक है, बाइंडिंग एट 30S, ये आपको याद रखना है, बाइंडिंग एट क्या है, बाइंडिंग एट 30S। तो बाइंडिंग एट में क्या आ गया, ए और टी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू 30S राइबोसोम, ओके। और जैसे बोलते हैं, एक बार मैं सुना था, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, बोलते हैं कि हमारे आसाम में या बंगाली कम्युनिटी में 30 को 30 बोलते हैं, 30, तो ये 30 मतलब टी, ठीक है, टी टी फॉर 30 टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टी फॉर 30 टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और एट में ए फॉर अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन कहाँ बाइंड होता है, 30S राइबोसोम पे, और रेस्ट ऑल बाकी जितने सारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है कहाँ पे बाइंड करता है, 50S राइबोसोम में, ठीक है, समझ में आया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ भैया, हाँ, अभी हम टेट्रासाइक्लिन के बारे में बात करते हैं, ओके। तो टेट्रासाइक्लिन में कौन सा ड्रग्स आता है, नंबर 1 है टेट्रासाइक्लिन इटसेल्फ इज ए ड्रग, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन है, डेमेक्लोसाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है और मिनोसाइक्लिन है, ये टेट्रासाइक्लिन में आ जाता है, ठीक है। और इसमें से क्या याद रखना है, डेमेक्लोसाइक्लिन याद रखना है क्योंकि इट इज मोस्ट फोटोटॉक्सिक। फोटोटॉक्सिक पता है क्या होता है, जो एक पेशेंट टेट्रासाइक्लिन लिया हुआ है अभी वो बाहर में सनलाइट में आता है तो उसको रैशेस हो जाता है, ठीक है। कोई किसी को प्रॉब्लम है इफ आई स्पीक इन हिंदी, एनीवन, नो प्रॉब्लम, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड माय हिंदी। तो टेट्रासाइक्लिन, आफ्टर टेकिंग टेट्रासाइक्लिन इफ समवन कम्स इन सनलाइट तो क्या होता है, उसको रैशेस हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस डेमेक्लोसाइक्लिन इज द मोस्ट फोटोटॉक्सिक ऑफ ऑल द टेट्रासाइक्लिन एंड इट हैज हाईएस्ट रिस्क ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। डेमेक्लोसाइक्लिन क्या होता है, मोस्ट फोटोटॉक्सिक, ओके, एंड इट हैज हाईएस्ट रिस्क ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। फिर मिनोसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन क्या करता है, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, वेस्टिबुल कहाँ में है, एयर में, ठीक है, वेस्टिबुलर, ये सारा नाम आपको याद रखना है, टेट्रीसाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डेमेक्लोसाइक्लिन तो भूलना ही नहीं है, डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में कुछ मैं बताऊंगा बाद में, और मिनोसाइक्लिन, ये तीन आपको ज्यादा याद रखना है, ठीक है। देखो अभी एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं,
एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? द ग्रेट इंडियन क्रिकेटर जिसने 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था, कौन है वो? कपिल देव। हाँ, कपिल देव। तो कपिल देव का ये न्यूमोनिक है, ठीक है। के फॉर क्या है? जो पेशेंट है उसको किडनी फेलियर हो सकता है, इसीलिए किडनी फेलियर वाला पेशेंट को हम टेट्रासाइक्लिन नहीं देते हैं। वी डोंट गिव, हमको याद रखना है कि वी डोंट गिव टेट्रासाइक्लिन टू कपिल देव। व्हाई वी डोंट गिव? बिकॉज ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उसको हेल्दी रहना है। वो हेल्दी आदमी को हम थोड़ी ना टेट्रासाइक्लिन देंगे, हम बीमार लोगों को टेट्रासाइक्लिन देंगे। तो कपिल देव इज अ हेल्दी पर्सन, अदरवाइज हाउ ही कुड प्ले सो वेल? इज अ हेल्दी पर्सन, सो वी डोंट गिव टेट्रासाइक्लिन टू कपिल देव। ओके, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो किडनी फेलियर, किडनी फेलियर करता है टेट्रासाइक्लिन एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन किडनी फेलियर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज इट इज सिक्रेटेड इन बाइल। ओके, डॉक्सीसाइक्लिन इज सिक्रेटेड इन द बाइल, बाइल में सिक्रेट होता है, किडनी में सिक्रेट नहीं होता है, इसलिए डॉक्सीसाइक्लिन सेफ है, सेफ इन रेनल फेलियर। ओके, डॉक्सीसाइक्लिन, इसलिए मैंने बोला था डॉक्सीसाइक्लिन आपको याद रखना पड़ेगा। एंटी एनाबोलिक इफेक्ट, एंटी एनाबोलिक इफेक्ट का मतलब क्या है? जो मसल मास है शरीर में, जो हमारा मसल का मास है वो रिड्यूस होता है, रिडक्शन इन मसल मास। ओके, नेक्स्ट क्या है? फोटोटॉक्सिक, इट इज फोटोटॉक्सिक। तो फोटोटॉक्सिक में कौन सा है? डेमेक्लोसाइक्लिन इज द हाईएस्ट फोटोटॉक्सिक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। फिर डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस में हम डायबिटीज इंसिपिडस कॉज कर सकता है, इसलिए हम टेट्रासाइक्लिन को नहीं देते हैं। फिर लिवर फेलियर, लिवर फेलियर में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। डेंटिशन एंड बोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर डेंटल प्रैक्टिस। वी ऑलवेज आस्क ना, हमारे पास पेशेंट आता है तो वी आस्क कि बचपन में उसको कोई एंटीबायोटिक कोई दवा दिया था क्या? उससे क्या होता है? टेट्रासाइक्लिन से येलोइश डिस्कलरेशन होता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ। ओके, और बोन में भी होता है। तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रेन, बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में हम टेट्रासाइक्लिन नहीं देते हैं। ओके, डी से हो गया। ई से नॉट बी गिवन आफ्टर एक्सपायरी, एक्सपायरी के बाद तो हम कोई भी ड्रग्स नहीं दे सकते, पर इसमें स्पेसिफिकली क्यों बोला है? देखो, एक्सपायरी के बाद दूसरे सारा ड्रग्स जो होता है वो देने से क्या होता है? काम नहीं करता, इट डज नॉट वर्क, बट हियर इट कॉजेस साइड इफेक्ट। ओके, टेट्रासाइक्लिन में साइड इफेक्ट करता है, उस साइड इफेक्ट का नाम क्या है? फैंकोनी सिंड्रोम, इट कॉजेस फैंकोनी सिंड्रोम। ओके, ओके, फिर वी से क्या आया? वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, हाईएस्ट बाय मिनोसाइक्लिन। मैं बोला था मिनोसाइक्लिन याद करना पड़ेगा हमको। तो वेस्टिबुलर डिसफंक्शन कौन कॉज करता है? ज्यादा मिनोसाइक्लिन। ओके, we'll go to the next slide. अभी हम uses के बारे में बात करेंगे। तो हमने बोला था कि हम किसको नहीं देंगे? कपिल देव को नहीं देंगे। Why? Because he is a healthy person. और अभी किसको देंगे हम? अभी इंडिया में कोरोना का वैक्सीन निकल रहा था, इंडिया was supplying to all the other countries, right? हाँ, तो जो जैसे बांग्लादेश है हमारे साथ, नेपाल है, छोटा छोटा कंट्री, तो उसको सप्लाई कर रहा था, बड़े कंट्रीज को भी सप्लाई कर रहा था। तो वी विल, हमको वो थ्योरी याद करके याद करना है कि वी विल सप्लाई टेट्रासाइक्लिन किसको देना है? यूजेस के बारे में, श्रीलंकन पीपल को हम टेट्रासाइक्लिन देंगे। ओके, फाइन, अभी देखते हैं श्रीलंका में क्या आता है। एस से क्या आता है? SIADH, इसका मतलब क्या है? सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायबिटिक हार्मोन। तो इसमें कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? डेमेक्लोसाइक्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, दिस इज एन MCQ। ओके, फिर श्रीलंका, आर से क्या है? रिकेटसिया, रिकेटसिया एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका इन्फेक्शन में हम टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। फिर आई फॉर ग्रेनुलोमा इंग्विनल, ओके, इसका, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है,
Tetracycline is the drug of choice in granuloma inguinal. Okay. Next, L. LGV matlab lymphogranuloma venereum. Lymphogranuloma venereum pe hum de sakte. To ye ho gaya Sri. Ab Lanka. Lanka mein dekho. LANKA. Lanka mein LGV aa gaya. A for atypical aur N for kya hai? Pneumonia. हाँ मुझे पता है पी से स्टार्ट होता है बट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग ये ए और एन क्या हो गया एटाइपिकल न्यूमोनिया ये ड्रग ऑफ चॉइस इसमें एटाइपिकल न्यूमोनिया में क्या है मैक्रोलाइड्स है पर फिर भी हम टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं और के फॉर कोलेरा ओके कोलेरा में ड्रग ऑफ चॉइस है तो कहाँ कहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है रिकेट्सिया में ड्रग ऑफ चॉइस है फिर ग्रेनुलोमा इंगुइनल में ड्रग ऑफ चॉइस है और कोलेरा में ड्रग ऑफ चॉइस है तो यहाँ पे RIC रिक याद रख सकते हो रिक में ड्रग ऑफ चॉइस है वन ऑफ माय सीनियर शी इज फ्रॉम त्रिपुरा तो आई थिंक हर सन उनका जो बेटा है उनका नाम उसका नाम रिक है तो शी हैज ओपन ए डेंटल क्लिनिक बाय द नेम ऑफ रिक डेंटल क्लिनिक ओके आई वेंट टू मीट हर सम डेज बैक तो RIC याद रखो रिकेट्सिया याद रहेगा रिक रिकेट्सिया आई फॉर क्या था इंग्विनल ग्रेनुलोमा और टी फॉर कोलेरा ओके फाइन हाँ एक एक रह गया श्रीलंका ए फॉर लुमिनल अमेलो अमियोबियासिस ओके इसमें यूज करते हैं पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बाबा ने तो काकू फोन करते से ड्रग ऑफ चॉइस क्या है मेट्रोनिडाजोल ओके ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल लुमिनल अमियोबियासिस पे ओके तो क्या होता है अभी अभी उस दिन हमने बात किया था कि पेनिसिलिन का रेजिस्टेंट हो जाता है तब हम रजनीकांत को बुलाते हैं तो टेट्रासाइक्लिन का भी रेजिस्टेंट हो जाता है ठीक है कौन देखो ये सोचो एक बैक्टीरिया है ये टेट्रासाइक्लिन आया है इसने यहाँ पे क्या किया एक इसने बाउंसर रख दिया अरे बार बार करते थे तो बाउंसर रख दिया बाउंसर का मतलब क्या है जो होता है ना क्लब में बाउंसर ठीक है वो क्या करता है कोई जो अनइनवाइटेड गेस्ट है उसको मार के भगा देता है तो यहाँ पे एक बाउंसर रख दिया ये बैक्टीरिया है ये बाउंसर है ठीक है तो टेट्रासाइक्लिन आता है तो उसको मारने का अंदर घुसने का कोशिश करता है पर टेट्रासाइक्लिन को बाउंसर भगा देता है अब टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा बेचारा कुछ नहीं कर सकता वो चला जाएगा पर वो ह्यूमन के पास आएगा इंसान के पास आएगा बोलेगा देखो मैं तो फेल हो गया तुम लोग ही कुछ करो तो ह्यूमन क्या करेगा ह्यूमन आर इंटेलिजेंट सबसे इंटेलिजेंट है तो वो क्या बनाएगा टीगेसाइक्लिन बनाएगा ठीक है ये जो बाउंसर है बाउंसर का नाम क्या है एफ्लक्स पंप ओके तो टेट्रासाइक्लिन ह्यूमन के पास आके क्या बोला कि नया कुछ दवा बनाओ ये बाउंसर मेरे को भगा दे रहा है ये मेरे को काम करने नहीं दे रहा है तो यू मेक सम न्यू ड्रग्स ना तो ह्यूमन विल मेक टीगेसाइक्लिन ठीक है ह्यूमन विल मेक टीगेसाइक्लिन तो टीगेसाइक्लिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं रेजिस्टेंट टू एफ्लक्स पंप को काबू में रखता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू टेट्रासाइक्लिन जो टीगेसाइक्लिन इट हैज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर टू टेट्रासाइक्लिन बट केमिकल स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू ग्लाइसाइक्लिन ओके तो टीगेसाइक्लिन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू टेट्रासाइक्लिन ओके बट केमिकल स्ट्रक्चर इट बिलोंग्स टू ग्लाइसाइक्लिन ओके फाइन टीगेसाइक्लिन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बट इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब क्या है इट वर्क्स ऑन ग्राम पॉजिटिव ऑल्सो इट वर्क्स ऑन ग्राम नेगेटिव ऑल्सो एवरीथिंग इट वर्क्स ऑन एवरीथिंग बट ओनली इट डज नॉट वर्क ऑन स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास टीगेसाइक्लिन वर्क्स ऑन एवरीथिंग बट इट डज नॉट वर्क ऑन क्या है स्यूडोमोनास में काम नहीं करता है ओके फाइन Everyone understanding? Hello, Pranab da. हाँ, बताओ. Tetracycline का dentistry में क्या-क्या use है? हाँ, tetracycline use करते हैं ना हम as a antibiotic. जैसे कोई patient है, penicillin नहीं दे सकते हैं हम, allergy है उसको. तो tetracycline दे सकते हैं हम, doxycycline देते हैं हम लोग generally.
और पर प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट लेडी में हम नहीं दे सकते और बच्चों में नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी में और बच्चों में देने से क्या होगा, येलो जो जो दांत है येलो हो जाएगा, येलो इज डिसकलरेशन ऑफ द टीथ। इसलिए हम प्रेग्नेंट, ये डेंटिस्ट्री से यही रिलेटेड है टेट्रासाइक्लिन का, कि इट कॉजेस येलो इज डिसकलरेशन ऑफ टीथ। एक एज भी है शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 14 या 17 है, तब तक बच्चों को टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते। आप एक बार चेक कर लेना बुक पे, 14 या 17 है एज, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है डेंटिस्ट्री में, कि इट कॉजेस येलोइश डिसकलरेशन ऑफ टीथ। आप देखोगे बुक में, पेडियो पे मिलेगा, सभी सब्जेक्ट में मिलेगा टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन डेंटिस्ट्री में हर जगह पे मिलेगा टेट्रासाइक्लिन, बिकॉज इट कॉजेस येलोइश डिसकलरेशन। और उसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, विनियर लगाना पड़ता है, या उसका फिक्स फिक्स प्रोस्थेसिस, मतलब कंप्लीट कंप्लीट जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो सारे दांतों में फिक्स डेंचर लगाना, वो लगा सकते हैं या विनियरिंग कर सकते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन इन आवर डेंटिस्ट्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये येलोइश डिस्कलरेशन करता है, टेट्रासाइक्लिन कॉजेस येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ चिल्ड्रेन, और इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी पे भी नहीं देते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया राजन, राइट, हाँ भैया, समझा? ओके, हाँ, ओके ओके यस, ओके फाइन। तो और एक बात है टिगेसाइक्लिन का, इट इज सिक्रेटेड इन बाइल एंड सो इज सेफ इन रेनल डिजीज। तो टिगेसाइक्लिन क्या होता है, इट इज सिक्रेटेड इन बाइल, बाइल में सिक्रेटेड होता है, और दैट्स व्हाई इट इज सेफ इन रेनल डिजीज। अब हम बात करेंगे क्या है क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल का क्या न्यूमोनिक बताया था, फेविकॉल। ये फेविकॉल जो है काम नहीं करने वाला, का फेविकॉल काम नहीं करने वाला फेविकॉल, ओके ठीक है। तो इट इज ए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इट बाइंड्स टू 50S, हमने बात किया कौन सा 30S में बाइंड करता है, ए और टी, अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, ओके। ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, हमने बात किया ओनली साइडल ड्रग्स इज अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो क्लोराम्फेनिकॉल बैक्टीरियोस्टेटिक है, रेयरली यूज नाउ ए डेज, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते हैं, देयर आर टू थिंग्स व्हाई वी डोंट यूज ए ड्रग, आइदर इट इज नॉट इफेक्टिव और इट इज टॉक्सिक, ओके। इनिशियली क्लोराम्फेनिकॉल वॉज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर का दूसरा नाम क्या है, टाइफॉइड। पहले हम क्लोराम्फेनिकॉल को एंटेरिक फीवर में यूज करते थे, पर अभी उसको बंद कर दिया गया है। बट नाउ मोस्ट ऑफ सलमोनेला, एंटेरिक फीवर कौन कॉज करता है, सलमोनेला टाइफी, राइट, सलमोनेला टाइफी कॉजेस एंटेरिक फीवर। बट नाउ सलमोनेला टाइफी हैज डेवलप रेजिस्टेंट टू क्लोराम्फेनिकॉल, सो दैट्स व्हाई वी डोंट यूज क्लोराम्फेनिकॉल एनी मोर, ओके। इट हैज हाईएस्ट रिस्क ऑफ बोन मैरो सप्रेशन। हाँ, ये याद रखना है, आपको एडवर्स इफेक्ट पूछेगा ना वाइवा में, सेकेंड ईयर गाइस प्लीज लिसन, इफ दे आस्क यू व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल, डायरेक्टली बोल देना बोन मैरो सप्रेशन, द एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस, तुमको फुल मार्क्स दे देगा। बोलो बोन मैरो सप्रेशन, और एक बोलना है ग्रे बेबी सिंड्रोम, ओके। ग्रे बेबी सिंड्रोम और बोन मैरो सेपरेशन क्या है हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट बोलना व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल, ग्रे बेबी सिंड्रोम और बोन मैरो सेपरेशन। नाउ इट इज मेनली यूज इन मेनिंजाइटिस, तो हम अभी कभी कभी क्लोराम्फेनिकॉल मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, रेयरली इफ क्लोराम्फेनिकॉल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है, ये देखो, दिस बेबी, इसमें क्या होता है, नेम इज ग्रे बट ही इज साइनोटिक। साइनोटिक मतलब क्या है, ब्लूइश कलरेशन। तो ये देखो बच्चा ब्लूइश कलरेशन नहीं है, आईज देखो ब्लू है, इसका लिप्स देखो ब्लू है, पेल और ब्लू स्किन है, तो दिस इज ग्रे बेबी सिंड्रोम, ओके। देन बोन मैरो सेपरेशन क्या है, व्हाट इज बोन मैरो सेपरेशन, ये दोनों आपको बोलना ही है, यू हैव टू रिमेम्बर ओनली दिस। बोन मैरो सेपरेशन ऑल्सो नोन एज माइलोटॉक्सिसिटी और माइलो सेपरेशन इज द डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सेल, जिसमें डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के लिए हमको क्या चाहिए, वी नीड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, हमको एरिथ्रोसाइट्स चाहिए एंड थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब प्लेटलेट्स चाहिए। पर
इसको सप्रेशन जब कर देते हैं तो उसको हम बोन मैरो सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो पे होता है। बोन मैरो सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा? आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है? सो दिस इज बोन मैरो सप्रेशन और ये ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये आप दो आपको याद रखना है, ठीक है? नाउ मैक्रोलाइट्स, ओके, वी हैव 4 मिनट लेफ्ट, हम क्या करेंगे? आफ्टर वी फिनिश विद द क्लास आई विल सेंड यू अनदर लिंक, ओके? थोड़ा सा स्लाइड बाकी है, 5-10 स्लाइड बाकी है, तो इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल सेंड यू इमिडिएटली, इस क्लास के बाद आई विल सेंड यू अनदर लिंक, यू ज्वाइन विद दैट लिंक, ओके? आई विल सेंड इट इन योर ग्रुप, ठीक है? फाइन, अभी वी यस सर, मिनट्स, ओके? वी विल ट्राई टू ओके फिनिश ऑल द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर टुडे, अदरवाइज एक टॉपिक रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखो मैक्रोलाइड में क्या है, मैक्रोलाइड आर द सेकेंड लाइन ड्रग्स टू पेनिसिलिन, ओके? पेनिसिलिन जहां पे हम यूज नहीं कर सकते, वेयर एवर वी कैन नॉट यूज पेनिसिलिन वी यूज मैक्रोलाइड्स, ओके? तो मैक्रोलाइड, मैक्रोलाइड कौन सा ड्रग्स है? थ्रोमाइसिन, जिसपे जिसपे लिखा है वो मैक्रोलाइड है। एरिथ्रोमाइसिन, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, आप इसका ड्रग ड्रग ऑफ चॉइस ये चार क्लैप। अब इसको कैसे रिमेम्बर करेंगे? देखो मैक, मैक का तुमको, मैक मतलब एप्पल का तुमको एक नोटबुक मिला या एप्पल का एक लैपटॉप मिला तुमको, व्हाट व्हाट विल बी योर कंडीशन? यू विल बी वेरी हैप्पी, राइट? यू विल क्लैप योर हैंड्स, तो मैक और क्लैप, ओके? यू गॉट ए मैक लैपटॉप एंड यू आर नाउ क्लैपिंग योर हैंड्स, ओके? तो मैक्रोलाइट्स में क्लैप, ओके? सी फॉर शंक्रोइड, एल फॉर लीजोनेला बैक्टीरिया है, ए फॉर एटिपिकल न्यूमोनिया और पी फॉर पेटोसिस, ओके? दिस आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, दिस आर द ड्रग ऑफ चॉइस, ओके? तो और एक है फिडा, फिडाक्सोमिसिन, ओके? ये भी एक मैक्रोलाइट है, ठीक है? फिडाक्सोमिसिन, ये एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन की तरह नाम नहीं है, फिडाक्सोमोक्सिन, इट इज यूज्ड इन माइल्ड टू मॉडरेट स्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस, ओके? ये बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के बारे में। तो व्हाट इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस? इट्स एन इन्फ्लेमेशन इन योर कोलोन, कहाँ पे होता है? कोलोन पे होता है। दैट हैपेंस व्हेन देयर इज टू मच ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन योर सिस्टम। व्हेन डज इट हैपन? टू मच ऑफ बैक्टीरिया इन योर सिस्टम, ओके? द बैक्टीरियम दैट कॉजेस स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज क्लोस्ट्रीडियम डिफिकली, ओके? ये याद रखना है। तो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम डिफिकली, ओके? डिफिकल्ट है ना, याद रखना, डिफिकल्ट है। स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस नाम भी डिफिकल्ट है और क्लोस्ट्रीडियम डिफिकली भी डिफिकल्ट है, ऐसे याद रख दो। डिफिकल्ट डिफिकल्ट दोनों एक साथ हो गया, दोनों भाई भाई। स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज आल्सो कॉल्ड एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस। तो कभी कभी स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इट हैपेंस ड्यू टू एंटीबायोटिक आल्सो, ड्यू टू एंटीबायोटिक्स आल्सो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है, ओके? मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो क्या बोला है यहाँ पे? मोस्ट ऑफ द टाइम, most of the time it is a side effect of taking antibiotics, okay? ठीक है, next, अभी major adverse effect of macrolides। तो हम macrolides के बारे में बात कर रहे थे। तो macro, macro का मतलब क्या है? बड़ा, macro, right? macro और micro मतलब क्या है? छोटा। तो माइक्रो एक थ्योरी है, माइक्रो हैबिट्स मैक्रो रिजल्ट्स। आई बिलीव इन दिस फिलोसफी वेरी मच। इसका मतलब क्या है कि रोज तुम छोटा छोटा काम करो, ठीक है? छोटा छोटा एक 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 स्टेप लो, देन वन डे यू विल सडनली सी दैट यू हैव ग्रोन वेरी मच। देखो जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो ऐसे है क्या कि इतना बड़ा था आज और कल इतना बड़ा हो गया? ऐसे नहीं होता है ना। इतना बड़ा होता है पहले, फिर इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है। तो माइक्रो हैबिट्स, छोटा छोटा हैबिट्स हमको बनाना चाहिए, जैसे पढ़ाई करने का। रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, देखोगे एक महीने के बाद तुमको पूरा किताब आता है। तो यू शुड मेक माइक्रो हैबिट्स
एंड यू विल सी मैक्रो रिजल्ट्स. ओके ठीक है, फिलोसफी बाद में, अभी हम एडवर्स इफेक्ट पढ़ लेते हैं. तो एडवर्स इफेक्ट का न्यूमोनिक्स क्या है? मैक्रो. ओके, एम ए सी आर ओ. देखो एम से क्या है, स्टिमुलेट मोटिलिन रिसेप्टर. मोटिलिन रिसेप्टर मतलब क्या है, स्टोमक में होता है. ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, हमारा स्टोमक में मोटिलिटी आता है एंड ड्यू टू दैट क्या होता है, हमारा स्टोमक लूज मोशन या ऐसे कुछ हो सकता है. ठीक है, तो पर इसका एडवर्स इफेक्ट है मैक्रोलाइट, बट ये एडवर्स इफेक्ट वी कैन यूज फॉर और बेनिफिट ऑल्सो. हाँ, बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हैं. जैसे डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में क्या होता है, उसको जो स्टमक कॉन्स्टिपेशन या ऐसे कुछ सफर करता है वो, तो एट दैट टाइम वी गेट मैक्रोलाइट्स और वो क्या करता है, मोटिलिटी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है एंड देन द पेशेंट उसको स्टमक क्लियर हो जाता है. एंड वी ऑल्सो यूज इट इन पैरालिटिक इलियस. नेक्स्ट है एलर्जी. तो मैक्रोलाइट्स क्या करता है, एलर्जी भी कॉज करता है. नंबर सी कोलिसिस्टेसिस. कोलिसिस्टेसिस हर कोई मैक्रोलाइट कोलिसिस्टेसिस नहीं कॉज करता है, ओनली एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट. दिस इज एन एमसीक्यू, आप बुक पे पढ़ोगे जो एमसीक्यू बुक है, आई टेल यू द बुक व्हिच यू शुड स्टडी फॉर योर एमसीक्यू, उसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा, देखना. एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट कॉजेस कोलिसिस्टेसिस एंड हायर रिस्क इन प्रेगनेंसी, देयरफॉर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बट इज नॉट टेराटोजेनिक. तो प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ओके, प्रेगनेंसी में. देन आर ओ. आर ओ से क्या है, आर ओ प्यूरिफाइड वाटर है क्या, आर ओ प्यूरिफाइड वाटर बोलते हैं ना, वो आता है एडवर्टाइज टीवी में. तो आर ओ मतलब रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी. अदर एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, लेट मी क्लियर इट अप. अदर एंटीबायोटिक्स दे कॉज इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी बट मैक्रोलाइट कॉजेस क्या है, रिवर्सिबल टॉक्सिसिटी. ओके, रिवर्सिबल टॉक्सिसिटी. तो आर ओ ऐसे याद रखो. ठीक है, तो मैक्रो. अभी गैस्ट्रोपेरेसिस में बोल रहा था, गैस्ट्रोपेरेसिस क्या है, ए कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल मसल मूवमेंट ऑफ द स्टोमक, जिसमें कॉज पर्सिस्टेंट नोजिया एंड वोमिटिंग. इसमें नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है और बाद में स्टोमक डिसऑर्डर भी होता है, उसको स्टोमक क्लियर करने में डिफिकल्टी होता है. तो हम बात कर रहे थे मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक्स के बारे में. मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक्स में क्या आता है, तुम्हारा माइसिन सब, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन. तो इसके बारे में हम एजिथ्रोमाइसिन के बारे में अलग से पढ़ेंगे. एजिथ्रोमाइसिन का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्रोमाइसिन, मतलब अदर जो मैक्रोलाइट उससे थोड़ा डिफरेंट है. एजिथ्रोमाइसिन इज वेरी लॉन्ग एक्टिंग. ओके, बट अदर थ्रोमाइसिन आर रिलेटिवली शॉर्ट एक्टिंग. इसमें एजिथ्रोमाइसिन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, मतलब इसका ड्रग इंटरेक्शन दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन कम होता है एजिथ्रोमाइसिन का, बट अदर थ्रोमाइसिन हैव मोर ड्रग इंटरेक्शन. तो अभी पढ़ते हैं ड्रग व्हिच आर सेफ इन प्रेगनेंसी. ड्रग्स व्हिच आर सेफ इन प्रेगनेंसी कैसे याद रखेंगे, प्रेगनेंसी पे पीसीएम. ठीक है, पीसीएम पी फॉर पेनिसिलिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी. ठीक है, अभी कभी क्लिनिक में हुआ, कभी डाउट हुआ, प्रेग्नेंट पेशेंट है. तो मुझे याद है एक मेरी जूनियर थी, तो क्या हुआ, एक प्रेग्नेंट पेशेंट आई, तो मैंने एमोक्सिलिन दिया उसको. तो वो जो जूनियर थी थोड़ी ओवर स्मार्ट थी, वो बोली नहीं नहीं भैया आप गलत हो, मैं सुभाष सर से जाके पूछ के आती हूँ. देन शी वेंट टू सुभाष सर. सुभाष सर ने बोला ये तो ठीक ही है, पेनिसिलिन ही देना है, पेनिसिलिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी. ठीक है, तो पेनिसिलिन सेफ है प्रेगनेंसी पे, सेफालोस्पोरिन भी सेफ है प्रेगनेंसी पे, और मैक्रोलाइट, मैक्रोलाइट इज सेफ इन प्रेगनेंसी. एक्सेप्ट कौन सा वाला, वन मैक्रोलाइट इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, कौन सा है वो, एनीवन? टेट्रासाइक्लिन. एरिथ्रोमाइसिन. टेट्रासाइक्लिन तो दूसरा है, एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट. ओके, इट इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी. ओके, टेट्रासाइक्लिन तो इज नॉट, इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है, येलोइश डिस्कलरेशन. तो दिस इज येलोइश डिस्कलरेशन होता है, इसलिए दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी.
ठीक है। फिर मैक्रोलाइड्स है बोथ एंटीमाइक्रोबियल एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी। तो अभी हम पढ़ते हैं व्हाट डस इम्यूनोसप्रेसेंट। मैक्रोलाइड तो पता है एंटीबायोटिक है, तो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होगा ही, पर इम्यूनोसप्रेसेंट क्या है? मैक्रोलाइड में एक है टैक्रोलिमस, ओके, वन ऑफ द मैक्रोलाइड इज टैक्रोलिमस एंड इट हैज स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी। हम इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में पढ़ेंगे बाद में, स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट। फिलहाल याद रखो कि टैक्रोलिमस हैज स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी। और एक है स्पिरामाइसिन, ऑल्सो इज ए मैक्रोलाइड, इज यूज टू ट्रीट टॉक्सोप्लास्मोसिस। ये आप माइक्रोबायोलॉजी में और पढ़ोगे टॉक्सोप्लास्मोसिस क्या होता है। टॉक्सोप्लास्मा गोंडाई बोल के एक ऑर्गेनिज्म है, वो ये टॉक्सोप्लास्मोसिस कॉज करता है, ठीक है। व्हाट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स? हाँ, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ऑल्सो नोन एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी रिजेक्शन मेडिसिन आर ड्रग दैट इनहिबिट और प्रिवेंट एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो ड्रग्स इम्यून सिस्टम का एक्टिविटी को इनहिबिट करता है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हम बोलते हैं। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कहाँ पे यूज होता है? जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे एक्जिमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाइसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एट्रोपी में हम यूज करते हैं, ठीक है। डर्माटोमायोसाइटिस पे भी यूज करते हैं। इरिवर्सिबल, हमने पहले बात किया था मैक्रोलाइड्स आर ओ फॉर रिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी, पर इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी कहाँ पे होता है ये भी हमको जानना है। इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी इज सीन इन सिस्प्लैटिन, वेंकोमाइसिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो प्लीज नोट इट डाउन, इट माइट कम इन योर एग्जाम एज MCQ, ओके, इन योर नीट MDS, फाइन। अभी क्लिंडामाइसिन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्लिंडामाइसिन? क्लिंडामाइसिन इज सीक्रेटेड इन बाइल और इट कॉजेस स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। हमने पहले बात किया था एंटीबायोटिक्स एसोसिएटेड स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो कौन सा जो एंटीबायोटिक है जो करता है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस? इट इज क्लिंडामाइसिन, ओके। And clindamycin is used in anaerobic bacterial infections. Major uses of clindamycin. Clindamycin ka uses kaise yaad rakhenge? CAP, okay? CAP clean, okay? You should keep your cap clean, okay? Clean. To aise yaad rakh sakte ho, CAP clean. Clindamycin mein CAP, okay? तो ये कोकाई जो होता है स्टेफाइलोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें यूज कर सकते हैं, एनारोस में यूज कर सकते हैं, पैरासाइट्स में यूज कर सकते हैं। अब कौन कौन सा पैरासाइट? न्यूमोसिस्टाइस देन मलेरिया और टॉक्सोप्लास्मा में हम क्लिंडामाइसिन को यूज कर सकते हैं। तो यू शुड कीप योर कैप क्लीन, ओके। और ये क्या है? PMT, हाँ PMT, ये पैरासाइट PMT याद रख लेना। कौन सा पैरासाइट? PMT हमारे समय होता था प्री मेडिकल टेस्ट, अभी तो नीट है तो इसको याद रख लेना, PMT प्री मेडिकल टेस्ट। अब हम बात करते हैं क्विनप्रिस्टिन। ये क्विनप्रिस्टिन अकेले यूज नहीं करते हैं, इसको डाल फोप्रिस्टिन के साथ एक साथ यूज कर सकते हैं। तो इट इज इंडिकेटेड इन बोथ आर स्ट्रेप्टोग्रामिन, ये स्ट्रेप्टोग्रामिन ग्रुप में आता है एंड इंडिकेटेड इन VRSA। VRSA मतलब वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ओके। पर VRSA में भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? डेप्टोमाइसिन। VRSA में ड्रग ऑफ चॉइस इज डेप्टोमाइसिन, ओके। अभी हम बात करेंगे, दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दो स्लाइड्स बाकी है, वील फिनिश इट अप, ओके। अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड में क्या क्या आता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नेटिलीमाइसिन, नियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन में येलो हाईलाइट क्यों किया है? इसमें एक कहानी है, मैं बताऊंगा। कनामाइसिन, अमिकासिन और ये कैप्रियोमाइसिन इज केमिकली नॉट अमाइनोग्लाइकोसाइड। एक्चुअली कैप्रियोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड नहीं है, बट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर, दैट्स व्हाई वी कीप कैप्रियोमाइसिन इन अमाइनोग्लाइकोसाइड फैमिली, ओके।
अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं एक के बाद एक, ठीक है? तो इट इज नॉट इफेक्टिव ओरली, ओके, अमाइनोग्लाइकोसाइड, यहाँ पे लिख लेता हूँ सो दैट यू रिमेम्बर, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर नॉट इफेक्टिव ओरली, ओके, ओरली इफेक्टिव नहीं है. इट इज एक्टिव मेनली ऑन ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव में एक्टिव है इंक्लूडिंग स्यूडोमोनास. नॉट इफेक्टिव ऑन एनारोबिक बैक्टीरिया, इट इज नॉट इफेक्टिव ऑन एनारोबिक बैक्टीरिया. हमने बात किया ये साइडल ड्रग्स है, और ये तीन तो आपको याद रखना ही है, दैट इट इज नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है, ओटोटॉक्सिक, और इट कॉजेस न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट. आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि ये सारा ड्रग्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नेटिलीमाइसिन, नियोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, कानामाइसिन, एमिकासिन. तो कौन सा वाला क्या कॉज करता है, ओके, नेफ्रोटॉक्सिक, देखो एन फॉर एन, मैक्सिमम बाय नियोमाइसिन. तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कौन करता है सबसे ज्यादा, नियोमाइसिन कॉज करता है. ऑटोटॉक्सिक दो तरीके का होता है, एक है ऑडिटरी, ऑडिटरी कौन कॉज करता है, अमिकासिन, ए फॉर ए, एन फॉर एन, ए फॉर ए. अब वी और एस कैसे मिलाएंगे हम, देखो वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर इज रिलेटेड विथ हमारा क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक वेस्टिबुल इज रिलेटेड विथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वेस्टिबुल हमको स्टैटिक इक्विलिब्रियम करने में मैनेज करता है. तो एस आ गया वेस्टिबुल के साथ, तो एस फॉर एस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट अगेन एन फॉर एन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कौन कॉज करता है, नियोमाइसिन, ओके. तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ पे यूज करते हैं, टीबी और प्लेग में. कैप्रियोमाइसिन, कानामाइसिन, एमिकासिन आर द सेकेंड लाइन ड्रग फॉर टीबी, ओके. और नियोमाइसिन कॉज करता है हेपेटिक कोमा. हेपेटिक कोमा क्या होता है, इन आवर जीआईटी यूरिया इज प्रेजेंट विच इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय द एंजाइम यूरियस. तो हमारे जीआईटी में क्या है, यूरिया है विच इज कन्वर्टेड टू अमोनिया बाय द एंजाइम यूरियस. अमोनिया इज एब्जॉर्ब एंड गोज टू ब्रेन एंड कॉजिंग हेपेटिक कोमा. ये जो अमोनिया है ये ब्रेन में जाता है और क्या कॉज करता है, हेपेटिक कोमा, ओके. इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड किल्स यूरियस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इन जीआईटी. तो नियोमाइसिन क्या करता है, ये जो यूरियस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उसको मार डालता है, एंड दिस इज नोन एज गट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, गट स्टेरिलाइजेशन. समझ में आया, होप सो. तो यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं, वी आर डन विद प्रोटीन सिंथेसिस इनिबेटर, ओके. इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑन फार्माकोलॉजी वी विल ट्राई टू कवर द रिमेनिंग सेलुलर सिंथेसिस इनिबेटर लाइक सेफालोस्पोरिन्स, और जितने सारा है वेंकोमाइसिन, कार्बापिनिम, वो सारा फिनिश करने का ट्राई करेंगे. और अभी हमने क्या खत्म किया है, वी फिनिश प्रोटीन synthesis inhibitor. Next we'll start with this, and then after that we'll study antiviral, antifungal, antiparasitic drugs, okay.